एलिमेंट्स बोलो, फर्स्ट फाइव, बिना देखे इधर सामने, फर्स्ट फाइव एलिमेंट्स। आगे आवाज आ रही है मुझे यहां से, ब्रोमीन, हाँ जी, नेक्स्ट, इधर लास्ट, वेयर इज योर मास्क फर्स्टली बेटा, अभी भी नीचे करके बोल रहे हो, आप ऐसे बोल सकते हो बेटा, सुन लो सुन लो, 5 to 10 एलिमेंट्स बोलो। फाइव टू टेन एलिमेंट्स, विद नंबर, कार्बन का नंबर 5 है बेटा, उसको पूछ रहे हैं, मुझे पता है, उसको पूछ रहे हैं। आपकी क्लास के व्हाइट चॉक्स कहाँ हैं? आपको एलर्जी है मास्क पहनने से? आर यू हैविंग एनी एलर्जी? बिल्कुल ही उसको उतार के हाथ में पकड़ रहे हो बार बार, क्यों? नीचे कर लो, हाथ में पकड़ना की जरूरी है? लेके आओ। हाँ जी, फिफ्थ एलिमेंट इज बोरोन, सिक्स्थ एलिमेंट इज सेवन, सेवेंथ एलिमेंट एट, जो हेल्प कर रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट सुनाएंगे, ये देख लो। नाइन्थ एलिमेंट, टेंथ एलिमेंट, हाँ जी, कवर नोट, सिट डाउन, 15 to 20, इधर से 15 to 20 एलिमेंट्स देखना नहीं है। 15th एलिमेंट, हाँ जी बेटा, 15th एलिमेंट, फॉस्फोरस, 16th, चलिए स्कीम बोलो मेरे साथ, आई हेलो लिसन, बीबीसी न्यूज ऑफ फ्रांस, ऑल सिली पीपल शुड क्लियर अरिथमेटिक पेपर केयरफुली, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ओके क्लियर है? अब बेटा बोलो एक बारी दोबारा सारी स्कीम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, वेरी गुड, उसने एक बारी में ही सारे एलिमेंट्स बोल दिए हैं, देख लो, विदाउट राइम, वेरी गुड। हाँ जी, इधर से आप बोलिए बेटा, जब आप ऐसे रोज डेली प्रैक्टिस करोगे आपको एलिमेंट्स के साथ ही आ जाएगी, साथ वाली राइम लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, कल वाली क्लास नहीं लगाई? हाँ जी बोलो बेटा, बिना देखे, हाँ बिना देखे सारे बोलोगे, चलिए बोलो बेटा, हाइड्रोजन, हीलियम, राइट, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन,
क्लोरीन, टेंथ वाला कौन सा है? नियॉन. इलेवन सोडियम, ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, बैठो बैठो, सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी. ठीक है जी, अब नेक्स्ट टाइम पीरियड आएगा तो नेक्स्ट टाइम भी सुनी जाएगी, राइट? चलिए, येस्टरडे वी डिड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ इट वाज गिवन बाय एंटोनी लेवियोसर इन तो इसमें मैं कल आपको एक्सपेरिमेंट बता रही थी दैट ही परफॉर्म. उसने कॉनिकल फ्लास्क में क्या लिया था? इन अ कॉनिकल फ्लास्क ही टुक बेरियम क्लोराइड और उसके अंदर उसने एक टेस्ट ट्यूब इंसर्ट की दैट वाज कंटेनिंग सोडियम सल्फेट, राइट? फिर उसने पहले इन दोनों को मेजर कर लिया फ्लास्क को, ठीक है? He measured the flask with these two different or separately mixtures. फिर उसने बाद जब उसकी मिक्सिंग कर दी इसने, ठीक है? इन दोनों सॉल्यूशंस को जब मिक्स कर दिया गया, सोडियम सल्फेट को और बेरियम क्लोराइड को, आफ्टर दिस ही फाइंड आउट द वेट ऑफ दिस फ्लास्क मिक्सिंग के बाद, ठीक है? उसने इस फ्लास्क को, इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा शेक किया एंड इट टिल्टेड एंड द सोडियम सल्फेट इट मिक्स विद द बेरियम क्लोराइड. So what will be formed? Barium sulfate. White precipitates of barium sulfate they were formed. आपने मुझे कुछ गलत तो नहीं बोला? Barium sulfate ही है. Barium sulfate के white precipitates बने plus इसके साथ और क्या बनेगा? ये सोडियम है, इसके साथ ये क्लोराइड. तो आफ्टर द रिएक्शन उसने इन दोनों का वेट जो था वो स्टडी किया एंड द वेट दैट वाज एग्जैक्टली सेम जो पहले उसका वेट था, ठीक है? व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं तो केमिकल रिएक्शन नहीं हुई. केमिकल रिएक्शन हुई, पहले जितना वेट था बाद में भी उतना वेट आया, बट केमिकल रिएक्शन हुई है एंड वेट इज कंजर्व, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि रिएक्शन के पहले जितना मास होता है प्रोडक्ट का, रिएक्शन के बाद भी उतना ही क्या होगा, मास होगा. मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम. हाँ जी बोलो जी. डायरेक्ट यू नहीं डाला क्योंकि पहले हम दोनों का वेट ले रहे हैं ना अलग अलग, फिर उसके बाद मिक्स करने के बाद वेट लिया. बिफोर वो हमने एक्सक्लूड कर दिया सारा, पहले हम एक्सक्लूड कर देते होते हैं, ठीक है? हाँ जी, क्लियर हो गया? ये केमिकल है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, वैसे ही केमिकल्स हैं ये भी, ठीक है? ये भी केमिकल्स हैं आपके. ओके, क्लियर विद दिस? इन द सिमिलर वे यू कैन गिव द रिएक्शंस और यू कैन डू द रिएक्शंस ऑफ कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अगर मैं कॉपर लिख लो, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कर रही हूँ सोडियम कार्बोनेट के साथ, व्हाट यू विल गेट? कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट है एंड सोडियम कार्बोनेट है, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट कॉपर कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट, ठीक है?
अब इनकी रिएक्शंस मैं बता देती हूँ, मैं सिर्फ बेरियम वाली बताऊंगी क्योंकि बेरियम वाली रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है? तो बेरियम वाली रिएक्शन देख लो, बेरियम क्लोराइड, बेरियम का सिंबल होता है बी ए, क्लोराइड इज सी एल, सी एल टू आएगा। कैसे आया अभी आपको आगे आगे समझ आएगा, ठीक है? बट अभी फॉर द टाइम लिख लो, इसके साथ किसकी रिएक्शन हुई है? बी ए बेरियम का है, सी एल क्लोरीन का है, ठीक है? हाँ, दो एटम्स। ये अभी आप लिखना यहीं से स्टार्ट करोगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपको यही चीजें सिखाएंगे हम कि ये फॉर्मूलाज कैसे बने हैं, ठीक है? बट अभी फॉर द टाइम लिख लो, बाद में मैं फिर रिपीट करवाऊंगी। सब्जेक्टिव में आया तो फिर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, राइट डाउन। वन में आ सकता है, टू में आ सकता है, ओके। जब ये रिएक्शन हो गई, बना क्या? बेरियम, ये भी, और साथ में NaCl। मास्क सबके पहने होने चाहिए, प्रिंसिपल मैं अमेज़न का प्लीज। चलिए, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, दैट इज बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तेरे को क्या कहा है अभी मैंने? मैंने बाहर निकाल देना बेटा आपका। हाँ जी, क्लियर है? ओके, सो बी ए इज फॉर बेरियम, हाँ जी, सी एल एन ए क्यों लिखा है, अब वो भी आपका नॉमिनक्लेचर में इसी में ही आएगा। वो सारी चीजें मैं आपको जब हम चैप्टर करेंगे ना आपको तभी समझ आएगा। अभी मैं बोल रही हूँ आपको फॉर द टाइम ये रिएक्शन लिख लो, इस रिएक्शन को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी जब हम सारी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है? हाँ, सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट, वो सारी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, दिस इज एंड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट नॉमेनक्लेचर सल्फेट में एफ भी डलता है पीएच की जगह, यू कैन सिंपली ऐड एफ, ठीक है? एंड दिस इज सोडियम क्लोराइड। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी आप 10th में पढ़ोगे। डिस्प्लेसमेंट पढ़ के आए होंगे ना आप, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ी होगी, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी होंगी आपने, डबल डिस्प्लेसमेंट है ये, आप 10th में पढ़ोगे आगे जाके, ओके? एनी अदर डाउट? और किसी को इस रिएक्शन में कोई डाउट है? क्लियर हो गई ये रिएक्शन सारी, ठीक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज वाज गिवन बाय एंटोनियो लिवेओसर, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। नाउ राइट डाउन वन न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल लिखिए। With the help of law of conservation of mass, with the help of law of conservation of mass, अब law of conservation of mass बेटा आपको क्या कह रहा है? Whatever the mass of the reactants will be, okay, that will be equal to the mass of the products, यानी कि जितना reactants का mass आएगा उतना ही किसका mass आएगा? Products का mass आएगा, okay? So with the help of the law of conservation of mass, predict the values of x, y and z, predict the values of x, y and z in the following reaction. So ab kya hai, aapke paas ek reaction ho rahi hai, okay? There is one reaction going on. यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली रिएक्टेंट्स नहीं मेंशन किए हैं, ठीक है? उन्होंने कह दिया कुछ ए बी है,
ये दोनों मिलके आपको क्या दे रहे हैं, दे आर गिविंग यू सी एंड डी। तो ये ए और बी क्या हो गए हमारे रिएक्टेंट्स, सी एंड डी क्या हो गया प्रोडक्ट। तो आपको ए की वैल्यू दी हुई है 1 ग्राम, बी की वैल्यू दी गई है 2.5 ग्राम, सिमिलरली आपको सी की वैल्यू दी गई है 1.5 ग्राम, एंड आपने यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। हाँ जी, 2 ग्राम। हाउ यू गेट 2 ग्राम? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यही है बेटा। ओके, हियर दीज टू आर द रिएक्टेंट्स, इन दोनों रिएक्टेंट्स का जब हम मास प्लस कर देंगे व्हाट यू विल बी गेटिंग, 1.0 प्लस 2.5 यू विल बी गेटिंग 3.5। दिस 3.5 इट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1.5 प्लस एक्स। हाँ जी, क्लियर है? सो 1.5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3.5। व्हेन यू कैलकुलेट द एक्स फ्रॉम हियर यू विल बी गेटिंग 2 ग्राम्स। ओके, बताऊंगी बेटा, सारा बताऊंगी, बस अभी आप एलिमेंट्स लर्न करो। हाँ जी, हाँ जी, प्रोडक्ट नहीं है। हाँ जी, जरूरी थोड़ा ना ए इंटू बी बनेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जब मैं ए और बी को मिक्स करूंगी तो वो ए इंटू बी बनेगा या ए बाय बी बनेगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ अलग चीजें भी तो फॉर्म हो सकती हैं, केमिकल रिएक्शन है, केमिकली डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी मिल सकती हैं आपको। क्लियर? हाँ जी, प्रोडक्ट। हाँ जी, इज दिस क्लियर? यस मैम। चलिए, राइट डाउन द नेक्स्ट वन। क्लियर? आगे लिखो। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट वॉज रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, वॉज रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, द प्रोडक्ट वर, ये दोनों क्या हो गए इसका मतलब, रिएक्टेंट्स। द प्रोडक्ट्स वर, बेटा जो चीज आपको चाहिए मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वॉटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट। यू हैव टू सी इफ दिस, जो भी है सामने लिखा हुआ है, बस आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट से मतलब होना चाहिए। यू हैव टू शो वेदर दिस ऑबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नॉट। यस मैम, यस, यस। What is the mass of reactants? 11.3. What is the mass of product? 11.3. ठीक है जी, okay? So that means this is in accordance with the law of conservation of mass. करें next पे चले हम, कर लो, कर लो। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सामने जो लिखा वही क्वेश्चन।
ऊपर रिएक्टेंट्स है, नीचे प्रोडक्ट्स है। हाँ जी नेक्स्ट करवाऊं। डन करें नेक्स्ट। बस बेटा सी हियर नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट लॉ। बेटा वो प्लस करना है आपने, क्या हो गया पिछले वाले को? गर्ल्स इनफ है, बंद करो अब जो भी है। इधर देखो अब सामने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मैंने क्या कहा है बेटा आपको? पहले अपने मास्क पहनो। ओके, इन दिस लॉ कांस्टेंट या डेफिनेट का मतलब क्या है? आपको पता कांस्टेंट जो चीज वेरी नहीं करती है दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली सपोज इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, बर्निंग, ग्रीन हाउस गैसेस, ओके okay. अब आपने मुझे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस बताए हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट होती है। ठीक है, अब सी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हाट इज देयर, कहते हैं कि चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमोबाइल से आ रही है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड किसी चीज की बर्निंग से आ रही है, चाहे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस बन रही हैं उसके कारण आ रही है, बट सब में जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है दैट विल बी सेम। मैं ये नहीं कहूंगी कि जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है उसका फॉर्मूला CO2 है, जो बर्निंग से आ रही है उसका फॉर्मूला C2O है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण आ रही है वो CO3 है सपोज, दैट इज नॉट द फैक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिस मर्जी सोर्स से आए, वट एवर बी द सोर्स ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, द कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मीन्स जिससे वो बनी हुई है, जिससे वो बनी हुई है, दैट थिंग इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड दीज आर द प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस मीन्स कॉम्पोजिशन, उसकी रेशो। कार्बन डाइऑक्साइड बनी है कार्बन से और ऑक्सीजन, अगर मैं इनकी रेशो देखती हूँ बाय नंबर, इफ आई एम सीइंग देयर रेशो बाय नंबर, तो एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन। अगर मैं इनकी रेशो देख रही हूँ बाय मास, कार्बन का मास कितना होता है? हाँ जी 12। ऑक्सीजन का इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो और 3:4। अब ये देखो ये आपने निकालनी है बाय वेट, ये रेशो आपने निकालनी है बाय नंबर,
अगर आपसे वेट पूछा जाए तो वेट हमेशा इसका 3:4 होगा, अगर आपसे नंबर पूछा जाएगा तो डैट विल बी एग्जैक्टली 1:2। ये आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, ये मैं बताऊंगी। बट अगर आप टर्न बाय टर्न पूछोगे इट विल बी इजी फॉर मी टू गिव द आंसर्स। 12 और 16 आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है, वो मैं करवाऊंगी आप। और ये समझ आया है, डेफिनेशन लिखवाते हैं पहले, समझो इसको। ओके, इन द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल द कॉम्पोजिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड, कॉम्पोजिशन इज फिक्स्ड बाय वेट ऑल्सो, कॉम्पोजिशन इज फिक्स्ड बाय नंबर ऑल्सो। अगर मैं नंबर की बात करूंगी तो 1:2 है, अगर मैं वेट की बात करूंगी तो 3:4। जहां से मर्जी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए ये रेशियो फिक्स है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। अगर आप CO लिखते हो तो उसका डिफरेंट नेम हो जाता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड दे बोथ आर नॉट सेम, ठीक है, दिस इज द लॉ। सिमिलरली अगर मैं वाटर की एग्जांपल लूं, हाँ जी, कैलकुलेशन बाय नंबर, कैलकुलेशन बाय वेट, ठीक है। अभी बता देते हैं फिर से, जैसे H2O वाटर लिया मैंने, सी वाटर ले लिया, टैप वाटर ले लिया, ओशन वाटर ले लिया है, फिल्टर वाटर ले लिया, चार सोर्सेस से पानी लिया, चारों सोर्सेस से जो भी पानी लिया है उसमें वाटर का फॉर्मूला है सेम, दैट इज H2O, जिसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दिस इज द रेशियो बाय हाइड्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास 16। ये बताऊंगी मैं, ये चीज मैं बताऊंगी आगे, ठीक है। तो ये है 1:2। हाँ तो 1:8 लिखा मैंने, ठीक है, 1:8, ठीक है। दो हाइड्रोजन है ना, H2O है, हेयर वी आर हैविंग टू हाइड्रोजन, तो एक का अगर मास 1 है तो दो का क्या, हाँ एक हाइड्रोजन का एक है, दो का दो हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखा है। हाँ जी, ये मैं बताऊंगी कैसे लर्न करना है, बट अगर आपको पेपर में राइटिंग में लिखना आ जाता है तो आपने ये खुद एक्सप्रेस करना है बाय नंबर एंड बाय वेट, जिस मर्जी में एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपने नंबर लिखा, बेटा अगर मैं बोल रही हूँ तो मुझे सुन लो पहले, अगर बाय नंबर लिखा हुआ है तो यू कैन एक्सप्लेन इट बाय नंबर, कि जो मर्जी वाटर का सोर्स है, चाहे चाहे मैं टैप वाटर ले रही हूँ, चाहे लेक वाटर ले रहे हैं, ठीक है, टैप वाटर ले रहे हैं, वट एवर वाटर वी आर टेकिंग, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है डेट इज 2:1। नंबर तो आपको दिख ही रहा है 2:1 है, वेट में आपको बताऊंगी कैसे करना है। Thank you.